Amisha Islam. Can you please tell me, brother, that what is the use of this boat here? क्यों लोग यूज करते हैं, क्या खासियत है? यहाँ पर असल में ढाका में बहुत ट्रैफिक होती रहती है, तो ये हाथिल झील है इसका नाम, तो इस पे बोट पे लोग आना जाना करते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है। एक एरिया से दूसरे एरिया में बोट से आते जाते हैं। तो कौन सा एरिया आपने बताया, क्या नाम है? गुलशन रामपुरा है। ये कौन सा एरिया? एबीसी। तो ये तीन चार जगह लोग ट्रेवल करते हैं बोट से। ठीक है, आपसे मिल के अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनका नाम इस्लाम है और ये अभी मुझे यहीं मिल गया। इनकी थोड़ी हिंदी आती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना हिंदी बहुत कम लोगों को आती है। बहुत कम क्या, ना के बराबर है। कोई कोई ऐसा होता है जिसको हिंदी आती है, तो ये मुझे इत्तेफाक से मिल गए जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है। तो इन्होंने काफ़ी मुझे असिस्ट किया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से मैं आया था तो मैं कहा कि एक यूनिक जगह है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग ट्रैवलिंग के लिए, ढाका में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बाई रोड ट्रैवलिंग में मैं फंस जाता हूँ। मतलब 10 मिनट की जर्नी में एक एक घंटे बीत जाते हैं बैठे बैठे। इनफैक्ट एक दिन तो मुझे मतलब आई बिगिन टू फील गिडी, कुछ चकराने लगा मेरा सर गाड़ी में, वैसा हो गया था। तो ये काफ़ी मतलब जो जर्नी है लोगों की, कंफर्टेबल भी बनाता है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। जो बाय रोड जा रहे हैं उसमें, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 20-30 रुपए की मतलब टिकट है यहाँ पे, और आप जो है इसमें 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का जो फासला है बहुत जल्दी तय कर लेते हैं। ये देखिए, हम लोग तो बोट में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब घूमने वाले लोग के, हम शौक या जा रहे हैं, शौक से हम थोड़ा टहलते हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा झील है, लेक है, बहुत बड़ा झील है। तो शौकिया तो मैंने नहीं देखा किसी को यहाँ पे, सब अपने बिजनेस, अपने ऑफिस के ये पे ही जा रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, किसका कोई बिजनेस है, किसकी कोई मीटिंग है वहाँ पे, मतलब दूसरे एरिया में। जैसे बताया इन्होंने, इस्लाम भाई ने, रंगपुरा है और एक और जगह है जो मुझे याद नहीं, भूल गया मैं, ये गुलशन एरिया है। यहाँ से उधर जा रहे आदमी, बीच में ये लोग रोकते भी हैं कनेक्टिंग, वहाँ कुछ लोग उतरने वाले होते हैं, चढ़ने वाले होते हैं, फिर वहाँ से आगे लेके जाते हैं ये लोग। तो अच्छा भी लगता है ये, यहाँ पे घूम के मैं देखा तो मैं सोचा यार क्यों नहीं इसके बारे में पता किया जाए और कुछ इस पर बना के और लोगों को शेयर किया जाए, क्योंकि ये एक यूनिक जर्नी है जो कि हर जगह देखने को नहीं मिलती है। मुझे यहाँ देखने को मिली और मैं सोचा कि इसमें ट्रैवल करते हैं भाई। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, एक दोनों तरफ सिटी है, बीच में लेक है जो हम लोगों की तरफ नहर और ये निकले रहते हैं वो टाइप का है। बीच में ये कई सारे ब्रिज आएंगे रोड जो मतलब इस ये गुलशन और एक दूसरे एरिया को कनेक्ट करते हैं, ब्रिज वगैरह बने हुए हैं। और हम लोग जो है झील में आनंद लेते हुए, अच्छा भी लग रहा है और ठंडी हवाएँ चल रही हैं मस्त एकदम। बीच में हम लोग आराम से जा रहे हैं, देखिए एक रिटर्न है वहाँ से आ रही है झील। तो इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, फेयर भी ज़्यादा नहीं है, कंफर्टेबल भी है। और इस समय जो अभी मैं जा रहा हूँ, इस समय उतना भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी टाइम जो है ऑफ़िस टाइम से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। ऑफ़िस टाइम में लोग बताते हैं सुबह में और शाम में बहुत ज़्यादा ही रहता है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं इसमें बैठने के लिए। और ये लोग सीट से एक्सेस आदमी को नहीं बैठाते हैं, जितनी सीटें उतने आदमी बैठते हैं और आराम से चले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा, ये देखिए अभी हम लोग ये ब्रिज के नीचे से निकलेंगे, क्रॉस करेंगे ऐसे, और 2-3 ब्रिज आने वाले हैं। आप लोग वीडियो देखिए, पूरा देखिए, अलग अलग व्यू भी आएंगे, अलग अलग सीन भी आएंगे। यहाँ पे एक बीच में टापू जैसा भी ये लोग ने बनाया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ढाका सिटी उतनी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी बड़ी ट्विन्स टावर की तरह 2 बिल्डिंगें हैं, मतलब यहाँ का ट्विन्स टावर कह सकते हैं हम लोग। देखिए बोट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ये एक तो मतलब यहाँ पे कुछ मतलब चारों तरफ से इसको पैक किया गया है और बीच में कुछ घास या क्या है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाया, मैंने किसी से पूछा भी नहीं हुआ था। और ये ब्रिज है, ये ब्रिज जो आ रहा है, ये ब्रिज हम लोग क्रॉस करेंगे तो रंगपुरा आएगा।
रंगपुरा जो एरिया है, और ये आपको दिख रहा होगा, खैर हट गया वो, मैं उसके बारे में इंशाल्लाह रिटर्निंग में बताऊंगा। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रंगपुरा है ये, यहाँ पे बोट कुछ देर के लिए रुकेगी, लोग उतरेंगे फिर चढ़ेंगे, और यहाँ ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं मेरे को तो टाइम नहीं मिला ट्राई करने के लिए, जगह बहुत अच्छी है कि लेक के सटे हुए एकदम, वहाँ बैठ के आप खाइए और ठंडी ठंडी हवाएं भी आपको फ्री में मिलेंगी, फ्रेश एयर। लेकिन एक चीज़ जो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि मॉस्किटो बीटिंग बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे। ये टाइम तो नहीं लग रहे हैं लेकिन इवनिंग टाइम में बहुत मच्छर लगते हैं। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये मुझे ऐसा लग रहा है एक टेनिस स्टेडियम बना है, चारों तरफ से लोग बैठ के, तीन तरफ से, और बीच में यहाँ थोड़ा छोटा छोटा सा ग्राउंड है, उसमें लोग टेनिस वगैरह खेलते हैं। अब ये ब्रिज है, अब काफ़ी नज़दीक हैं हम लोग, पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक ब्रिज के ऊपर, आप ट्रैफिक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है मेरा कहने का मतलब, सॉरी। देखिए ये ब्रिज के ऊपर भी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, अब हम ये ब्रिज के नीचे से निकल रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। दोनों तरफ ग्रीनरी भी है, पेड़ पौधे हैं, और बीच में लेक है, दोनों तरफ सिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं कई जगह से गुजरा हूँ, और ये लेक बहुत बड़ा है, और इसके दोनों तरफ सिटी है, ढाका सिटी जो ब्रिज से कनेक्टेड है। कई लोग जो है बोट से भी ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और सिटी में जो बहुत बड़े बड़े टावर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन डेवलपिंग है, फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में अभी ये चल रहा है बांग्लादेश। मुझे मौका मिला ढाका आने का, तो मैं सोचा यार क्यों ना यहाँ की कुछ चीज़ों को कैप्चर किया जाए जिसे दूसरे लोग भी जानें। और ये एक और ख़ासियत देखिए आप लोग, अभी और नज़दीक चलेंगे हम लोग ब्रिज क्रॉस करके, जो ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाता है उसके बड़े बड़े ये पीलर टावर लगे हुए हैं, जो ये झील में लगे हैं, इसके ऊपर से गुजर रहा है वो, दोनों तरफ के सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए, दोनों तरफ के एरिया को कनेक्ट करने के लिए। ये अपने इस्लाम भाई हैं, ये हमारी काफ़ी मदद किए हैं। हेलो भाई कैसे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं हिंदी भी, इसके लिए नहीं तो किसको पता ही नहीं रहता है क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या वो बोल रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। ये एक दूसरा ये बनाया गया है व्यू बैठने के लिए, शाम को लोग चिल आउट करने यहाँ आते हैं, ठीक है आते तो रहेंगे लेकिन मच्छर से बहुत कटवाते रहेंगे, बहुत मच्छर यहाँ पे लगेंगे। और ये मैं और मेरे जो दोस्ती कह लीजिए, दोस्ती हो गई थी इनसे, हम लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं। ये एरिया है, इसका नाम मेरे को नहीं पता है, ये बताएंगे अपने मसूद भाई, स्टार्टिंग में वीडियो में बताए थे। यहाँ पे हम लोग उतरेंगे और कुछ बाहर देख के फिर आदमी रिटर्न जो है आके फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊँगा, क्योंकि फिर मेरे को घूमने से कोई मतलब नहीं है बाहर इतना। मैं खाली सोचा कि खाली इसको कैप्चर किया जाए, अब मैं रिटर्न आता होगा। अब यहाँ जो है सॉरी रिटर्न जा रहे हैं हम लोग, मतलब टिकट फिर मेरे को लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं टिकट लूँगा। और ये देखिए सिंगल बोट है जो ये लोग बुक करते हैं, मैं टिकट लेके और रिटर्न भी आ गया हूँ, बैठ गया हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाए इसके लिए मैं क्रॉप कर रहा हूँ कि लंबी ना हो जाए। हम लोग अब यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, फिर मैं अपने गुलशन एरिया में जा रहा हूँ। बहुत सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है ऐसा व्यू, मतलब नेचुरल व्यू होते हैं, दोनों तरफ एक एरिया हो सिटी हो, बीच में लेक हो, और ट्रैवल करने के लिए आपको जो है बोट मिल जाए, बोट में आप सफ़र करें, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है, हम वापस गुलशन पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अपने होटल जाएँगे। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई। अगर आप वीडियो मेरा कभी भी देखिए तो आपको सलाम करता हूँ मैं, आपने जो मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहें,
और मुझे जो हेल्प किए हैं लैंग्वेज की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी आप समझे और मुझे समझाएं भी इस एरिया के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगर नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। अब ये ब्रिज हम लोग क्रॉस करते हुए दोस्तों जो है आप ये देखिए व्यू, मैंने बाहर मोबाइल निकाल के और इसको शूट किया था, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक मेरे को डर भी लग रहा था कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया तो गया, फिर तो आप लोग देख चुके शुक्रिया दोस्तों, आप देखिए मेरे ब्लॉग्स को और ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो नए जगह पर भी जाएंगे और आपको नए ब्लॉग्स से भी रूबरू कराएंगे, नए जगहों से रूबरू करवाएंगे। बने रहने के लिए हमारे साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिए, शुक्रिया आप लोग।